दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान। बोले उम्मीद है सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज नहीं करेगी। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की राजनीतिक दलों की मांग को खारिज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसी को भी स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक में आजाद भी शामिल हुए थे। 72 वर्षीय नेता ने कहा कि उन्होंने बैठक में साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसी को भी स्वीकार नहीं है। हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है, हम केवल ये चाहते हैं कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो और उसके बाद चुनाव कराए जाएं। हालांकि केंद्र ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त रूप से मानना है कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मंजूर किया जाए और उसके बाद चुनाव हो। आपका क्या मानना है? क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोले आपकी कश्मीर पॉलिसी हुई नाकाम, आप किस आधार पर करेंगे डिलिमिटेशन। ये आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आपकी कश्मीर पॉलिसी में आप नाकाम साबित हुए हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की चर्चाओं पर केंद्र से सवाल किया कि वहां पर कैसे डिलिमिटेशन किया जाएगा और किस आधार पर किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम की बैठक में डिलिमिटेशन की बात हुई है, आप कौन सा और कैसा डिलिमिटेशन करेंगे? जनसंख्या के आधार पर करेंगे या फिर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करेंगे? आपकी कश्मीर पॉलिसी में आप नाकाम साबित हुए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने हम सबकी तरफ से बात की है और कहा है कि हम ये टाइमलाइन नहीं मानते हैं। डिलिमिटेशन चुनाव और राज्य का दर्जा नहीं, पहले डिलिमिटेशन फिर राज्य का दर्जा और फिर चुनाव। चुनाव कराना ही है तो पहले राज्य का दर्जा लौटा दीजिए, उसके बाद हम चुनाव पर बात करेंगे। आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने परिसीमन के आधार को लेकर ही सवाल कर दिया है। हालांकि राज्य में परिसीमन किस आधार पर किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बनवासी वोटर्स को साधने में जुटी RSS और BJP। संवाद के जरिए बताई जाएंगी पार्टी की नीतियां। ये आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही साथ सभी दलों और उनके संगठनों ने CIC रणनीति के मोहरों को सेट करना शुरू कर दिया है। इसी फेरिस्त में माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग में माहिर BJP और RSS ने एक और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राज की बात यह है कि वोटों के गणित को साधने के लिए इस बार बनवासी वोटर्स को लेकर भी RSS और BJP गंभीर हैं। हालांकि अगर आदिवासियों के कल्याण और उनके बीच काम करने की बात करें तो संगठन के स्तर पर RSS और सरकार के स्तर पर BJP काम करती रही है। लेकिन राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 11.5 लाख आदिवासियों को साधने के लिए सुनियोजित ढंग से काम शुरू होने जा रहा है। आदिवासियों के आबादी का ये आंकड़ा जनगणना 2011 का है। आपको बता दें कि आदिवासी नेताओं के मुताबिक वास्तविकता यह है कि आंकड़ा काफी दूर है और उनकी माने तो यूपी में आदिवासी की संख्या 50 लाख के आसपास है। आपको बता दें कि आप 50 लाख के आसपास की जनसंख्या को साधने के लिए RSS और BJP पूरी प्लानिंग में लग गए हैं। और ये बड़ी खबर, 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, शामिल होंगे सभी मंत्री। ये आपको बता दें कि मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए तारीख और समय अब तय हो गया है। ये बैठक 30 जून को शाम 5 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य मंत्री रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मंत्रिपरिषद की होने वाली बैठक 30 जून को होगी। और ये बड़ी खबर, सरकार ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, फिर दी कर्ज की खुराक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। वित्त मंत्री ने मांग बढ़ाने एवं लोगों की सीधी मदद करने के बजाय फिर से कर्ज की खुराक दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री के संवाददाता सम्मेलन को मैंने गौर से सुना। आज अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या कम GDP, अधिक महंगाई, कम मांग और बढ़ती बेरोजगारी है, लेकिन यही बात वित्त मंत्री जी को समझ नहीं आ रही। आज फिर उन्होंने इस बारे
बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने दावा किया कि कर्ज की खुराक के मॉडल पर परिणाम सबको पता चल गया है। लोगों को कर्ज की खुराक की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की आर्थिक मदद करेंगी, लोगों की जेब में पैसा डालने की बात करेंगी। बल्लभ ने आरोप लगाया कि साल 2020 में घोषित कर्ज की खुराक वाले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तरह आज फिर से गलती की गई है। लगता है कि वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि ये कौन लोग हैं जो वित्त मंत्री को कर्ज की खुराक की सलाह दे रहे हैं। और बड़ी खबर, दुनिया के 50 देशों को कोविन जैसा सिस्टम तैयार करके देगा भारत, पीएम मोदी ने दिया आदेश। यह आपको बता दें कि कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोविड 19 टीका अभियान के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स संस्करण तैयार करने और इसमें रुचि दिखाने वाले किसी भी देश को मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शर्मा ने कहा कि कोविन मंच इतना लोकप्रिय हो गया है कि मध्य एशिया, लातिनी अमेरिका, अफ्रीका के करीब 50 देशों ने कोविन जैसी प्रणाली में रुचि दिखाई है। वो दूसरे लोक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि फिलहाल भारत 50 से ज्यादा देशों को कोविन जैसा सॉफ्टवेयर तैयार करके देगा। और बड़ी खबर, बड़ी अच्छी खबर, 12 से 18 साल के बच्चों का अगस्त से हो सकेगा टीकाकरण। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट के बीच बड़ी खुशखबरी है। 12 से 18 साल के बच्चों को जायडस कैंडिला का टीका अगस्त से लगाया जा सकेगा। इसका परीक्षण जुलाई के आखिर तक समाप्त हो जाएगा। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और इस बीच वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का खौफ बन गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अन्य की तुलना में फेफड़ों के ऊतकों को ज्यादा प्रभावित करेगा। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा। ये अनुमान लगाना या कुछ भी कहना बहुत कठिन है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगस्त से 12 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण तैयार हो जाएगा। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया सख्त आदेश। कहा 31 जुलाई तक लागू करें वन नेशन वन राशन स्कीम। ये आपको बता दें कि देश में वन नेशन वन राशन स्कीम को लागू करने और प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों को कम्युनिटी किचन चलाने चाहिए ताकि कोरोना संकट रहने तक उन्हें भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यही नहीं, अदालत ने 31 जुलाई तक देश के सभी राज्यों से वन नेशन वन राशन स्कीम लागू करने को कहा है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए भी 31 जुलाई तक पोर्टल तैयार करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को एक पोर्टल तैयार करना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण हो सके। इसकी प्रक्रिया 31 जुलाई तक शुरू हो जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डेटा सामने रखने में देरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। अदालत ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का उदासीन रवैया माफ करने के योग्य नहीं है। बेंच ने कहा कि असंगठित और प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल तैयार करने में केंद्र सरकार की देरी दिखाती है कि वह उन लोगों के अधिकारों को लेकर चिंतित नहीं है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा केंद्र सरकार को राज्यों को अतिरिक्त राशन मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। बता दें कि वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत देश के तमाम प्रवासी मजदूरों को सुविधा मिलेगी। इसके तहत वे जिस भी राज्य या शहर में होंगे वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्हें राशन मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों ने इस स्कीम को अब तक लागू नहीं किया है वे इस स्कीम को 31 जुलाई तक निपटा लें। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। कहा कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को मिले 10-10 लाख रुपए। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता राशि की मांग के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हर्फनामे को कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं का अपमान करार देते हुए कहा कि इस महामारी में अपने प्रियजन को खोने वाले हर परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद प्रदान की जानी चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र
नरेंद्र मोदी सरकार को लोगों की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है, ये उनकी जरूरत है और अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 16 महीनों में देश का हर नागरिक कोरोना महामारी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उच्चतम न्यायालय में इस सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उससे लगता है कि उसे देश के नागरिकों की कोई भी चिंता नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि सभी परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।